महाराष्ट्र का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पे प्रभु श्री राम वनवास के दौरान ठहरे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राम तीर्थ रामटेक मंदिर की। नागपुर से यह मंदिर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने हमारा सफ़र शुरू किया दोपहर के 1 बजे और सफ़र के दौरान मौसम काफ़ी सुहाना था। रामटेक गांव से मंदिर तक जाने के लिए कुल 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गांव से होकर जाता है और दूसरा रास्ता गांव को बाईपास करते हुए जाता है। हम गए बाईपास रोड से। रामटेक मंदिर को गढ़ मंदिर या सिंदूरगिरी भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा रघु भोसले ने 18वीं शताब्दी में किया था। यह वराह भगवान की प्रतिमा है। यह पंचमुखी हनुमान जी के 5 चेहरों में से एक चेहरा है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने प्रभु राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त करने के लिए ये अवतार लिया था। आगे आने के बाद यहाँ पे श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, श्री प्रभु रामचंद्र स्वामी का मंदिर और श्री लक्ष्मण स्वामी मंदिर है। इस स्थान पर ऋषि अगस्त्य ने प्रभु राम को शस्त्रों का ज्ञान दिया था और उन्हें ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया था। उनके दिए गए ब्रह्मास्त्र से ही प्रभु राम ने रावण का वध किया था। मंदिर के परिसर में एक तालाब है। मान्यताओं के अनुसार इस तालाब का पानी कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है। रामनवमी के दौरान यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। रामटेक के पास घूमने के लिए दिगंबर जैन मंदिर, तोतला डोहा डैम, कर्पूर बावड़ी, कैम चेरी फार्म, खिंडसी तालाब और अंबाला तालाब है। तो आप भी इस सुंदर और प्राचीन मंदिर के दर्शन करने जरूर आएं।